सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल की जो है कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा। ये एडवांटेजेस जो है शायद ही आपको इस सेगमेंट में 125 सीसी सेगमेंट में किसी और बाइक में देखने को मिले, और ये जो एडवांटेजेस यार इसको इस बाइक को जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है, एंड शायद जो है इस प्राइस में और कोई कंपनी आपको ये सब देती हो। सो चलिए गाइस, बात करते हैं इस सब के बारे में। सो वीडियो को जो है गाइस एंड तक देख लेना ताकि जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए, और बाकी वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, सो वीडियो को यार एंड तक देखना बनता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो यहां पे सबसे पहले जो मेरे को इसमें अच्छी बात लगी, मतलब जो है एडवांटेज जो मेरे को लगी, वो है गाइस यहां पे इसका जो है लुक्स जो है आपको 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा लुक्स मिल जाता है आपको। इसकी जो बॉडी है वो भी यार काफी अच्छी है, बॉडी क्वालिटी भी जो है, बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफी अच्छी इस बाइक की। एंड यहां पे जो है गाइस आपको मेटल का भी यूज देखने को मिलेगा, ये नहीं कि आपको यामा वगैरह की बाइक्स की तरह फाइबर देखने को मिले। सो यहां पे जो है गाइस आपको ज्यादातर मेटल का भी यूज देखने को मिलेगा। सो कहने का मतलब है गाइस इस सेगमेंट में आपको शायद कोई कंपनी इतना अच्छा लुक्स और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देती हो। चलिए गाइस बात करूं सेकंड पॉइंट के बारे में। सो गाइस यहां पे जो है आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जो कि आपको इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलती, और वो कंफर्ट भी जो है ये आपको काफ़ी अच्छा देने वाली है, जो आपको सिंगल सीट पे नहीं मिलता। सो गाइस यहाँ पे यदि आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो वो भी जो आप इससे इजीली कर सकते हो, और पिलियन के साथ में भी आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो आपको काफ़ी चौड़ी स्प्लिट सीट मिलती है। सो यहाँ पे यदि आपको यकीन ना हो तो आप एक बार टेस्ट राइड ले लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए गाइस बात करूँ थर्ड पॉइंट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो भी आपको सेगमेंट में कोई भी बाइक नहीं देती। यहाँ पे गाइस आपको 12 BHP की पावर मिलती है और 11 न्यूटन मीटर्स का जो है टॉर्क मिलता है। गाइस इन सबको कंपेयर मत करना ड्यूक 125 से, बिकॉज वो जो है काफी ज्यादा कॉस्टली है, बिकॉज वो जो है गाइस 60 से 70 हज़ार रुपए महंगी इस बाइक से। ये जो है लगभग 93 का राउंड जाती है ऑन रोड, एंड वो जो है 160 का राउंड जाती है। सो काफी ज्यादा कॉस्टली है, उसके साथ तो कंपेरिजन बनता ही नहीं किसी एंगल से। तो गाइस यहाँ पे जो है 125 सीसी सेगमेंट में 95,000 से नीचे जो परफॉर्मेंस ये बाइक आपको दे सकती है, वो परफॉर्मेंस कोई बाइक आपको नहीं देगी। यहाँ पे आप इसको हाईवे पे यूज करो, सिटी में यूज करो, कैसे भी यूज करो, ऑलराउंडर जो है बाइक आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे गए सेगमेंट में ओनली एकमात्र ऐसी बाइक है जो आपको 12 BHP की पावर देती है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी देती है, एंड जो टॉप स्पीड है वो भी जो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, लगभग जो है 115 तक की आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी। सो बाकी इस बात करूँ फोर्थ एडवांटेज के बारे में, यहाँ पे जो है आपको इसमें जो मीटर कंसोल मिलता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वो भी आपको जो है किसी और बाइक नहीं मिलता। यहाँ पे जो आपको RPM मीटर मिलता है, जो कि शायद आपको इस सेगमेंट में किसी और बाइक में मिलता हो, एंड ये जो है यार इसको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। एंड यहाँ पे जो है आपको इस बाइक को जब आप राइड करोगे तो आपको जो है काफ़ी अलग फील आएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, एंड यहाँ पे जो साइड में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। सो जो आप राइड करोगे तो आपको जो है अलग ही स्पोर्टी जो है फील आने वाली है। तो ये जो मीटर कंसोल है यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सेगमेंट में। ऐसे फीचर्स की बात करूँ तो SP125 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सो यदि हम इस फीचर्स को साइड में रखें, सो यहाँ पे यदि आप राइड करते हो SP125 को, और यदि आप देखते हो उसके मीटर की तरफ, और यदि आप इसके मीटर की तरफ देखते हो, सो इस फील जो है आपको अलग ही देखने को मिलने वाली है। इस बात करूँ लास्ट एडवांटेज के बारे में, सो यहाँ पे जो है आपको वाइट टायर्स मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में इस साइज के टायर किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलते। सो यहाँ पे जो है काफी चौड़े टायर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि हाईवे पे जो है काफी अच्छी ग्रिप देते हैं, एंड यहाँ पे जो है आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो यदि आप जाते हो SP125 की तरफ, या फिर ग्लैमर वगैरह, या फिर और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो है वो भी अपने सेगमेंट में यार अपने हिसाब से जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब जो है उनमें भी कुछ एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन आज जो है मैंने बात की है पल्सर 125 के एडवांटेजेस के बारे में, जो मेरे को लगी वो मैंने आपको बताई। इसमें जो है बात करूँ डिसएडवांटेजेस के बारे में, सो इस मेरे को जो है ऐसा कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं लगी, बस जो है एक ही मेरे को कमी लगती इसमें, जो कि है इसमें FI आपको इसमें नहीं मिलता है। FI दे देती कंपनी तो जो है और अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती, बाकी तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं बाइक में। बाकी जैसे कोई ओनर रिव्यू आता है तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे, उसमें जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बाकी गाइस मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं इसकी। इसकी जो ऑन रोड प्राइस जाती है गुड़गांव में वो है गाइस 93,000, और यदि आपको गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा, मतलब जो है NCR में भी कहीं पे भी आपको लेनी है, सो आप जो है गाइस गुड़गांव से ले सकते हो, वहां पे जो है अभी ये बाइक अवेलेबल है। सो वहां का जो एड्रेस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी जो है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो GSM बजाज खांडसा रोड, सो वो जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस यही थे कुछ आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।